गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की SST ज्योग्राफी पढ़ेंगे और चैप्टर है सेकंड। इससे पहले भी मैंने आपको ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में वीडियो के द्वारा अच्छी तरह समझा दिया है, फिर भी मैं आपको आगे भी वो वीडियो दोबारा सेंड कर दूंगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होती है एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। सबसे पहले ग्लोब पर अगर हम बात करें कि ग्लोब जो होता है, अगर हम उसकी बात करें, अर्थ का एक छोटे से मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं, यानी स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ वी आर कॉल्ड इज ग्लोब। सेकंड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है, हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इट मींस रेवोल्यूशन करती है, और इसके अलावा अपने अक्ष पर भी रोटेशन करती है, घूमती है। इससे टाइम चेंज होता है, दिन रात बनते हैं। तो ये सारा के सारा जो भी प्रोसेस होता है वो लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा है। दूसरा, लैटिट्यूड्स में हम देखते हैं कि अपनी अर्थ की जो शेप है वो गोल है, और अर्थ की शेप गोल होने के कारण अर्थ पर डिफरेंट एरिया में, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग मौसम होता है। तो वो सारे के सारे हम ये जो भी बातें हैं इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। लैटिट्यूड इज ए मेजरमेंट ऑन ए ग्लोब और मैप ऑफ लोकेशन नॉर्थ एंड और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये कह रहा है कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनकी जो लोकेशन होती है वो इक्वेटर पे कुछ इस प्रकार से होती है, यानी अगर हम उनकी देखते हैं तो इस तरीके से वो खींची जाती हैं। दूसरा, ये आगे बोल रहा है कि टेक्निकली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैटिट्यूड्स, जियोसेंट्रिक, एस्ट्रोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिक और जियोडेटिक, बट देयर आर ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन देम इज मोस्ट कॉमन रिफरेंस जियोसेंट्रिक। ये कह रहा है कि जितने भी अगर हम बात करते हैं कि जियोसेंट्रिक है या एस्ट्रोनॉमिकल है एंड ज्योग्राफिक है, ये जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारी की सारी अर्थ पर खींची जाती है, इनमें माइनर डिफरेंट होता है। ये आगे बोल रहा है, जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड इज ए इम्प्लाइड गिवन इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स, यानी जो ये लैटिट्यूड्स होती है जियोसेंट्रिक, इससे अर्थ पर डिग्री मिनट्स और सेकेंड का भी ज्ञान हम कर सकते हैं। आगे ये कह रहा है कि लैटिट्यूड इज द आर सबटेंस बाय एन एंगल एट अर्थ सेंटर एंड मेजर्ड इन ए नॉर्थ साउथ प्लेन पोलवार्ड फ्रॉम इक्वेटर, दस ए पॉइंट एट 30 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड, जो भी है, नॉर्थ सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड आर द सेंटर ऑफ द ग्लोब, सिमिलरली द आर बिटवीन द इक्वेटर एंड आइदर ज्योग्राफिक पोल इज 90 डिग्री 1/4 द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। आगे ये बोल रहा है कि जो भी हम ये देखते हैं कि ग्लोब पर जो भी हमने जियोसेंट्रिक पढ़ा है, ये कभी हम देखते हैं कि किसी भी एरिया क्षेत्र या उसका कि वहाँ की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया जाता है कि इतनी डिग्री पर इतने मिनट पर ये देश स्थित है। जैसे कि अपने इंडिया का लैटिट्यूड देखेंगे तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो 68 डिग्री से स्टार्ट होकर 97 डिग्री और तक चलता है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हर देश हर क्षेत्र की ये दिखाती हैं। आगे ये बोल रहा है कि इक्वेटर मीन्स अर्थ के जो बीचों बीच में लैटिट्यूड लाइन खींची गई है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है ना।
और इक्वेटर के नॉर्थ साइड में 90 डिग्री तक लैटिट्यूड लाइंस होती हैं और साउथ साइड में भी 90 डिग्री तक लैटिट्यूड लाइन होती है, यानी इट मींस इक्वेटर से 90 लाइन तो नॉर्थ में होती हैं और इक्वेटर से 90 लाइंस साउथ में होती है। आगे हम पढ़ रहे हैं, एंड दस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लैटिट्यूड्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ एड्स टू इंडिकेट डिफरेंट लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑन मैप और ग्लोब इक्वी डिस्टेंट सर्किल्स आर प्लॉटेड एंड ड्रॉ पैरेलल टू द इक्वेटर एंड ईच अदर दे आर नो एज पैरेलल और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यानी ये कह रहा है कि जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल रूप में खींची जाती हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट ज्योग्राफिक लैटिट्यूड विच इज द काइंड यूज इन मैपिंग इज कैलकुलेटेड यूजिंग इज स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस बिकॉज अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। यानी ये कह रहा है कि जो भी ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड्स है, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, ये अर्थ पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस में है, क्योंकि जो अपनी अर्थ है वो समान रूप से नहीं है, इसलिए ये अलग अलग साइज अलग अलग प्रकार के अर्थ पर खींची गई हैं। आगे ये बोल रहा है, द प्लैनेट्स कर्वेंचर इज फ्लैटर एट द पोल्स ज्योग्राफिक लैटिट्यूड्स इज आर सबस्टेंड बाय द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन द कैन बी ड्रॉ एट ए परपेंडिकुलर टू ए टेंजेंट लाइन टचिंग अर्थ ए क्रूवेंचर एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस। डिफरेंट मेथड आर यूज ऑफ द डिटरमाइन ज्योग्राफिक लैटिट्यूड एज बाई टेकिंग एंगल साइट्स ऑन सर्टेन पोलर स्टार्स और बाय मेजरिंग विथ ए सेक्सटेंट द एंगल ऑफ द नून सन अबो द होरिजन द लेंथ ऑफ ए डिग्री और आर द लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमली 111 यानी 111 किलोमीटर इट मीन 90 मील वेरिंग बिकॉज ऑफ द नाउनी फॉर्मली ऑफ अर्थ क्रूवेंचर। ये कह रहा है कि जितनी भी ये लैटिट्यूड्स लाइन है, जितनी भी लैटिट्यूड्स लाइन ये अर्थ पर खींची जाती हैं, दो लैटिट्यूड्स लाइन के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंट होता है। और अगर हम ये इन्होंने एक औसत माना है, और अगर हम इसको देखें तो ये 110 किलोमीटर से लेकर और 111 किलोमीटर 0.699 किलोमीटर तक हो सकता है। एट द पोल ज्योग्राफिक लैटिट्यूड इज आल्सो गिवन इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी ये कह रहा है कि जितनी भी ये लैटिट्यूड्स हैं इसमें डिग्री मिनट सेकंड्स हम सब दिखा सकते हैं। द थ्योरी ऑफ हिपोचोर्स द यूज ऑफ द ग्रिड लाइन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाज फर्स्ट सजेस्ट बाय द ग्रीक एस्ट्रोनर हिपोचोर्स। ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम जो लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री थे, ये इन्होंने सबसे पहले बताया था। ही आल्सो डिवाइज्ड द मेथड ऑफ द फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ बाय ऑब्जर्विंग द सेलेस्टियल बॉडीज द सन मून एंड द स्टार्स। ये कह रहा है कि ये सारा के सारा जो भी हम लैटिट्यूड्स खींचते हैं ये इतने स्टिक होते हैं, इतने फिक्स होते हैं कि इससे हम सूर्य चंद्रमा और जो एस्ट्रन बॉडी होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि स्पेस में छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं। आगे ये बोल रहा है, हिपोचार ट्राइड टू द डिटरमाइन द साइज ऑफ द सन एंड द मून एंड द देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ही आल्सो स्टडीड देयर ऑर्बिट एंड द लिपिस द एज्यूम दैट द अर्थ वाज स्पेरिकली स्टेशनरी एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम दिस प्रीपोजिटिव द सन द मून
Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, all the solar system bodies visible the naked eyes and well as the star revolved around the earth each day. यानी कह रहा है कि ये जितना भी ये हम latitude longitude की जो study करते हैं या study की है, ये पोप चार्ज कह रहा है कि इसके द्वारा हम इतनी स्टीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम के और जितने प्लैनेट हैं उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये जितने भी हम प्लैनेट्स हैं। अब यहाँ पर छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, बेस्ड ऑन अबोव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्ली बिलीव अबाउट द पोजीशन ऑफ अर्थ। ये कह रहा है कि अर्थ के पोजीशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा हमको ये पता लगा। दूसरा, हु आर द हिपोचार्ज, व्हाट डिड डिवाइजन, हिपोचार्ज कौन थे। तो ये सारा आंसर हमको यहाँ से लिखना है कि भाई ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया, इतनी स्टीक जानकारी थी कि हम अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम के और भी प्लैनेट के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा आपकी बुक में बेटा ये एक गूगल पे जाना, इस यहाँ से लेकर वेबसाइट को क्लिक करना, तो जो